किया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया है। इधर सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रियासी हमले के बाद देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है, भारत की जवाबी कार्रवाई का डर उसे सता रहा है। तो पीओके के पूर्व पीएम फारूक हैदर का बयान आया सामने, पीओके में जवाबी हमले की आशंका जताई गई है। इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहता हूँ मोदी जी आपसे आज, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें इनको डोज मिलनी चाहिए। इनके पास इतने आतंकी मटेरियल भरा हुआ है पाकिस्तान के पास, दे कैन कीप ऑन सेंडिंग इनटू, दे हैव एन एंडलेस सप्लाई। कि सात पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में शहीद हो गए हैं, कल की बात है। अगर उधर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है, जो कि पिलग्रिम्स की बस थी उस पे हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी, लेकिन जो सात पाकिस्तानी सोल्जर हैं वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है तो लिहाजा आपके फौजी जो है वो शहीद होंगे, फिर हम भी इसको इस तरह ड्रॉ करें। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है, पाकिस्तानी सेना के एक और काफिले पर आतंकवादियों ने घात लगाकर जोरदार हमला किया है। पाकिस्तानी सेना के सात जवानों की मौत इस हमले में हो चुकी है। ये इल्जाम लगा रहे थे पाकिस्तान पर, ये कह रहे थे, वो क्यूज कर रहे थे कि ये वाकया पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि ये दहशतगर्दी करवाई गई है और ये पैगाम दिया गया है कि जिस वक्त हलफ उठाया जा रहा है और उस वक्त ये बताया गया है कि मोदी हलफ उठा रहा है तो ये दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूँ ये, और मैं चाहता हूँ आप लोग कान खोल के सुनाएं, इसमें गलती लश्करे तैयबा की नहीं है, इसमें गलती जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की नहीं है, इसमें गलती है जनरल आसिम मुनीर की। दिस फॉल्स स्क्वेयरली ऑन द टेबल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। अब ये मैं नहीं समझता कि ये आईएसआई के नॉड के बगैर हो सकता था, और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भिखारिस्तानी जब क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत से हार गए तो इन बुजदिल इन डरपोक आतंकवादियों का सहारा लिया इन्होंने। इन आतंकवादियों ने पीछे से छुप के श्रद्धालुओं से भरी एक बस पे हमला किया जिसमें माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे 10 श्रद्धालु ऑन द स्पॉट आतंकवादियों की गोली से एलिमिनेट हो गए। हालांकि भारतीय सेना ने पूरा क्लियर डेडलाइन दिया हुआ है कि चाहे जहां ये छुप जाए, ठीक है, ड्रोन से हेलीकॉप्टर से हर चीज़ से निगरानी की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी चले गए तो वहां भी घुस के मारा जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में मदरसों की कमी नहीं है, भारत 10 आतंकवादियों को टर्मिनेट करेगा, एलिमिनेट करेगा, 72 यूरो के पास भेजेगा, मदरसे से 100 पैदा कर देंगे। मदरसा जो पाकिस्तान में डे बाय डे बढ़ रहा है वो आतंकवाद जिहाद की फैक्ट्री तो है। दुनिया के 90% आतंकवादी क्यों पाकिस्तान से पैदा होते हैं? बिकॉज मदरसों की संख्या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, और इन मदरसों को लीड करते हैं हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, तो आतंकवाद की तो कमी नहीं है। मेन अगर भारत गवर्नमेंट को आतंकवाद को स्टॉप करना है तो पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, ये आसिम मुनीर को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद को फंड करने वाले पाकिस्तानी आर्मी है। ठीक है, आतंकवादियों को मारोगे 10, कल मदरसे से 100 भेज देंगे, तो मदरसा तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से एक आइटम खत्म हो गया तो फैक्ट्री थोड़ी बर्बाद होगी। तो मेन टारगेट पाकिस्तानी आर्मी को करना चाहिए भारतीय सेना। दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूं ये, और मैं चाहता हूं आप लोग कान खोल के सुनाएं, इसमें गलती लश्करे तैयबा की नहीं है, इसमें गलती जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की नहीं है, इसमें गलती है जनरल आसिम मुनीर की। मैं बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूं, आप इनके आतंकवादी मारते रहेंगे ये और पैदा करते रहेंगे। सर इनके पास हजारों लाखों मदरसे हैं पाकिस्तान में, इनके पास हजारों लाखों मदरसे हैं, और एक मदरसा एक साल में अगर एक तालिब भी भेजे, एक स्टूडेंट भी भेजे एक मदरसा, ये अगले 100 साल तक भारत में रोज आतंकवादी भेज सकते हैं हजारों की तादाद में। अब नहीं रोक पाएंगे इनको, इनके पास इतने आतंकी मटेरियल भरा हुआ है पाकिस्तान के पास, दे कैन कीप ऑन सेंडिंग इनटू, दे हैव एन एंडलेस सप्लाई। वक्त आ गया सर सांप का धड़ तन से अलग करने का, धड़ अलग करने का वक्त आ गया। और सांप कौन है यहां पे? द स्नेक हियर इज द पाकिस्तानी आर्मी, इट इज द आईएसआई। उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाते कभी। बालाकोट हमने करा और बालाकोट यहां से गए, बहुत बढ़िया ऑपरेशन था इंडियन एयरफोर्स का, लेकिन बालाकोट में मारा कौन गया? जैश मोहम्मद। क्या नुकसान हुआ जैश मोहम्मद का? 3 महीने के अंदर फिर उन्होंने तैयार कर दिया। इनके पास फैक्ट्रीज हैं सर, पाकिस्तान इज अ जिहाद फैक्ट्री, इनके पास फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है इन मामलों में। पूरा मुल्क फांके से है, लेकिन जहां तक आतंकवादियों की बात है, दे हैव एन एंडलेस सप्लाई ऑफ सच पीपल। अगर हमने बालाकोट में स्ट्राइक करी सर, यही एयर स्ट्राइक 5 कोर हेडक्वार्टर कराची पे करते,
कुछ नहीं करना था सर, कुछ नहीं करना था. वन कन्वेंशनल वॉरहेड ऑन हेडक्वार्टर 5 कोर कराची, एंड ऑफ स्टोरी. इट वुड हैव पास्ड सच अ मैसेज टू पाकिस्तान, ये नाक से लकीरें खींच रहे होते रेत पे. ये अगर आपको उतना एस्केलेशन नहीं करना, लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर है. पाकिस्तानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर आर जस्ट देयर अक्रॉस द लाइन ऑफ. हम लोग एक्चुअली क्या है कि वी हैव बिकम इनयोर्ड टू डेथ. हमें फर्क नहीं पड़ता इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए. हमें लगता है ठीक है कोई बात नहीं. सर द डे यू पास अ मैसेज, और ये मैं सरकार से बोल रहा हूं, जो भी हूएवर इज इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, द डे यू पास अ मैसेज टू द पाकिस्तानी आर्मी, दे विल अंडरस्टैंड. कर रहा है जो ट्रिगर दबा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. किसने पैसे दिए, किसने भेजा, किसने ट्रेनिंग दी, किसने इंडोक्ट्रिनेट करा, किसने उसको जिहाद का चूरन खिलाया कि तुम जाओ बेगुनाहों को मार कराओ. पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं. सर इसके पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज है. यह बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो हमारी एजेंसीज हैं वो आपको बता देंगे या बता चुकी होंगी अभी तक. और सर लश्कर तैयबा ने इसको कबूल कर लिया. टीआरएफ क्या? टीआरएफ इज लश्कर तैयबा. और लश्कर तैयबा कहां बेस्ड है? मुरीद के. मुरीद के कहां है? लाहौर के पास है. लाहौर कहां है? पाकिस्तानी पंजाब में. लश्कर तैयबा कोई कश्मीरी ग्रुप है? नहीं सर, लश्कर तैयबा इज अ पाकिस्तानी पंजाबी ग्रुप. जैश ए मोहम्मद कोई कश्मीरी ग्रुप है? नो सर, इट्स अ पाकिस्तानी पंजाबी टेरर ग्रुप. और ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम करते हैं, यहां पे अपने औजार भेजते हैं, हमारे बेगुनाहों का खून बहाते हैं. इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए. और मैं तो एक और बात कहता हूं मोदी जी आपसे आज, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए. ये गुनाह करें ना करें, उनको डोज मिलनी चाहिए. ये जो सिंबोलिज्म जिसने भी चूज करी है, आई डोंट नो एट व्हाट लेवल डिड द चीफ ऑफ आईएसआई गिव द नॉड टू दिस ऑपरेशन. बगैर उनके नॉड के ऐसा तो होता नहीं था. अब इतनी आसानी से नहीं किया जाता. और इतना ये जल साहब एक क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं डीजीआईएसआई ने किया होगा, आर्मी चीफ ने किया होगा. मैं जाती तौर पे जिस दिन नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया है, मैं नहीं समझता मेरी जाती राय में कि कोई मुल्क चाहेगा कि इंडिया के अंदर ये ऑप्टिक्स क्रिएट हो. ये स्टेट ये ऑप्टिक्स नहीं क्रिएट कर सकती. स्टेट के बड़े टूल्स बहुत ज्यादा होते हैं और ऑप्टिक्स क्रिएट करने के. अगर फॉर इंस्टेंस कल एक इंसिडेंट हमारे यहाँ, हमारे साथ फौजी शहीद हो गए, आपके वहां पे 10 जवान जो है फौजी लोग जो है सिविलियन शहीद हो गए. द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है इस चीज का. लेकिन मूविंग ऑन जन साहब, इस चीज पे अगर हम ये कहें कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जी आपने किया, तो फिर तो बात खत्म हो गई. आपको क्या लगता है ग्लोबल साउथ का लीडर नरेंद्र मोदी और भारत बनना चाहता है? आप तमाम छोटे ममालिक को तो इन्वाइट करते हैं, आप कहते हैं मालदीव भी आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, नेपाल भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, बांग्लादेश बड़ी रियासत है. आपको अगर वाकई ही लीडर बनना है तो आपको नहीं लगता आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी? इतना बड़ा आपका नेबर है, आप अपने दो बड़े नेबर से बात नहीं करना चाहते? और आपने अपना जो डायरेक्शन है वो इंडियन ओशन की तरफ कर दी हुई है कि भाई अब हमने इधर देखने ही नहीं. आप समझते हैं ये हमारे नेबर ही कोई नहीं. ये किसने शुरू किया, किसने रिएक्ट किया, किसने काउंटर रिएक्ट किया, किसने काउंटर का काउंटर किया? यू नो ये टिट फॉर टैट नोक झोंक ये बड़ी देर से चली आ रही है. इन ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड से 1947 में जब आपने कश्मीर में लश्कर भेजे तो शुरुआत आगाज आपने किया, तब से ये टिट फॉर टैट का मामला शुरू हो गया है. नाउ वेदर द चिकन केम बिफोर और द एग केम बिफोर, ये तो वी कैन आर्ग्यू टिल द काउज कम होम. यू विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज क्वाइट वैलिड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आई विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज इक्वली वैलिड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. लेकिन कई चीजों की ना एक टोकनिज्म होती है. अगर आईएसआई को करना भी था, अगर ये दूसरे तीसरे चौथे दिन करते हमारी जो स्वेयरिंग इन ऑफ द न्यू मोदी 3.0 तो कोई और चीज बनती. जिस दिन स्वेयरिंग इन हो रही है ऐसा इंसिडेंट करना ये मास कैजुअल्टी है. इसी एक दो तीन शायद लोग स्टमक कर लेते हैं इस मुल्क में, करे भी जा रहे हैं काफी देर. दोस्तों भिखारिस्तानियों का दोगला चरित्र देखो आप लोग, कि ये मैच भी हारते हैं, आतंकवादी हमला भी करते हैं, इसके बाद ये दोगले भिखारिस्तानी जो है पता नहीं कौन सा मुंह लेके कहते हैं हमें भारत से व्यापार करना है, अच्छे रिश्ते चाहिए. अबे भिखारियों कम से कम सुधर तो जाओ. तुम्हारे देश के हालात ऐसे हो गए कि बच्चे बच्चे माँ बहन बेच रहे हैं अपने खाना खाने के लिए, लेकिन तुम भिखारियों जो 2 रुपए तुम्हें मिलते भी हैं IMF के तलवे चाटने से चाइना से, उससे भी तुम आतंकवादी हमले करवाते हो. अबे शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो. पूरी दुनिया में तुम्हारे वजह से इस्लाम की बर्बादी हो रही है, थूक रहे हैं लोग. मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया का इस्लाम खराब है, लेकिन पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बर्बाद हो गया. ठीक है, तुम लोगों ने इस्लाम का एक डायरेक्ट पर्यायवाची बना दिया है आतंकवाद. बताओ यार, तुम भिखारियों मैच नहीं जीत पाए भारत से तो तुमने आतंकवादी हमला करवा दिया. अरे शर्म करो.
ठीक है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है तुम्हारी, जहां जाते हो ना आतंकवादी देख, मतलब पाकिस्तान का नॉर्मल एक एक्टर भी पहुंच जाता है ना एयरपोर्ट पे, ऐसी चेकिंग होती है जैसे वो आतंकवाद। और सच में भाई पाकिस्तान का इंजीनियर, वैज्ञानिक, एक्टर, डॉक्टर सब आतंकवादी कर चुके हैं गतिविधियां, इसलिए पूरी दुनिया इनसे सतर्क रहती है। ठीक है, भारत के साथ बॉर्डर लगना ही इनका समझ लो ये जो है सुरंग बना के, तो फिर कहां कहां से ये आ जाते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी एक तरफ से फायरिंग करती है, भारतीय सेना उसमें उलझ जाती है, ये क्रॉस हो जाते हैं, इन सब तरीकों से ये हथकंडे। हालांकि 90% रिड्यूस हो गए आतंकवादी हमले, लेकिन फिर भी 10% क्रॉसिंग हो जाती और ये फिर कायराना हमले करते हैं। ये भिखारी कर क्या सकते हैं यार, दो वक्त की रोटी तो ये अपने देश में खा नहीं पा रहे, सोच रहे हैं कि भारत बहुत खुश है कश्मीर में ट्रैवल और ये सब टूरिज्म बढ़ रहा है तो कश्मीर को ही डिस्टर्ब किया जाए। तुम्हारा ये मंसूबा कामयाब नहीं होगा भिखारियों, इसी तरीके से भीख मांगते रहोगे। तो क्रिकेट क्या हर हर जो है हर सूबे में तुम भगवान की दया से ऊपर वाले, तुम्हारा भी अगर ऊपर वाला कोई है ना इस्लाम का तो वो भी तुम्हें नीचे ही ढकेलेगा, कामयाब नहीं होगे दूसरों को दुख देकर। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।